वर्ड का सेकंड वीडियो में हम लोग आएंगे और यहाँ हम जानेंगे मेनू के बारे में। जैसे हम चलते हैं फाइल मेनू में और वहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से सेव एज, ओपन एज, सभी चीज के बारे में हम लोग को जाननी है। जितने भी ऑप्शन है सब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन है सेव। सेव कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे होम टैब में आए और यहाँ से हम कीबोर्ड से इक्वल टू RAND और ब्रैकेट ओपन करेंगे। हमको जितना पैराग्राफ चाहिए उतना पैराग्राफ में फाइव डालिए और इंटर प्रेस करें। पैराग्राफ आ जाएगी। पैराग्राफ आने के बाद हम फिर जाएंगे फाइल मेनू में और यहाँ से सेव ऑप्शन लेंगे और सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेव करने का ऑप्शन देगा। यहाँ से हम लोकेशन चूज करने का, कहाँ सेव करना और यहाँ फाइल नेम पर हम जो भी हम नाम से सेव करना चाहते हैं वो यहाँ पे नाम डाल लेंगे। जैसे यहाँ से हम बैक स्पेस हटा कर यहाँ से नाम डाल लेते हैं। नाम डाल लिए, डालने के बाद यहाँ से सेव ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देंगे। सेव हो गए, ठीक है। सेव होने के बाद हम फिर से चाहते हैं इसमें कुछ नया ऐड कर रहे हैं और यहाँ सेव ऑप्शन की यूज कैसे होती है, हम यहाँ से चाहते हैं कुछ ऐड कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम सक्सेस कंप्यूटर ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद चाहते हैं कि ना इसको अलग नाम से सेव हो, तो उसके लिए ऑप्शन हम लोग का सेव एज, ठीक है। तो यहाँ से हम सेव एज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से लोकेशन हम चूज कर लेंगे। फिर यहाँ से नाम को हम चेंज कर देते हैं, दूसरे नाम से सेव कर देते हैं और यहाँ से सेव ऑप्शन पर। अब ओपन ऑप्शन का हम लोग यूज कैसे करते हैं इसके बारे में जानते हैं कि पहले से हम ओपन की हुई फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। जैसे पहले से बना के रखे हुए वर्ड में उसको हम क्या करेंगे, यहाँ से चूज कर लेंगे किसी भी फाइल को जो पहले से बना के रखे हुए हैं, उस फाइल को हम क्या करेंगे चूज कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पे बना के चूज कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद यहाँ से फिर आगे, ठीक है। आने के बाद जो हम ओपन ऑप्शन जितना भी है उसको हम ओपन कर सकते हैं, जितने भी हम पहले से बना के रखे उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम चाहते हैं कि हम यहाँ से इसको हटा दें और क्लोज कर दें, तो उसके लिए ऑप्शन है क्लोज ऑप्शन। यहाँ से हम इसको क्लोज कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज हो गए पूरे ऑप्शन मेरा पहले वाला, ठीक है। अब क्लोज करने के बाद अब हम लोग चलते हैं फाइल के अंदर सेव, सेव एज, ओपन और क्लोज, ये चार ऑप्शन हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब है इन्फो ऑप्शन। इन्फो ऑप्शन के यूज हम लोग कौन सी में करते हैं, हम तीन में पासवर्ड लगाने। यहाँ से देखिए प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट है, इस पर हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे। इससे क्या होता है कि पासवर्ड लगा सकते हैं, तो पासवर्ड अपने फाइल में लगा सकते हैं और लगाने के बाद यहाँ जाएंगे, क्लिक करने के बाद आएंगे इंक्रिप्ट विथ पासवर्ड में और यहाँ पे हम जो भी है यहाँ पे हम क्या करेंगे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी हमको पासवर्ड लगाना है पासवर्ड को हम यहाँ से प्रेस करेंगे। जैसे हम यहाँ पे जो भी पासवर्ड है लगा दिया, एक बार और री एंटर करेंगे पासवर्ड को और यहाँ से क्या कर देंगे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद एक बार इसको सेव पे क्लिक कर देंगे, सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से सेव हम कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद फिर से हम इसको ओपन करना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पे है फाइल मेरा, इसको हम ओपन कर लेते हैं। जैसे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पे फिर पासवर्ड आपका मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा था। यहाँ से हम जो पासवर्ड डाले हुए थे उस पासवर्ड को यहाँ से हम डालेंगे। जैसे कीबोर्ड से हम जो पासवर्ड डाले थे प्रेस किया और यहाँ से ओके करेंगे, देखिए ओपन हो गए। और फिर यहाँ हम लोग चलते हैं फिर से फाइल मेनू के अंदर में और फिर देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब रिसेंट ऑप्शन क्या है, रिसेंट है। रिसेंट में क्या होता है, जितने भी हमारे रिसेंटली में जो वर्क किए हुए फाइल होते हैं ओनली वर्ड का जो इसी के अंदर सेव रहते हैं, जो हम अभी सेव किए, देखिए वर्ड का जितने भी फाइल है सब रिसेंटली डॉक्यूमेंट में दिखा रहा है, सब जितने भी वर्ड में ओनली वर्ड में, न कि आपको एक्सेल ना पावर पॉइंट कहीं का नहीं, ठीक है। जो भी आपका है यहाँ पे वर्ड का ही फाइल है, जिस पे हम क्लिक करेंगे वो क्या हो जाएगी ओपन हो जाएगी सभी। देखिए जैसे हम कहीं पे हम क्लिक कर, जैसे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे किसी भी फाइल पे हम क्या कर सकते हैं क्लिक करके खोल सकते हैं। जैसे जिस पे क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से ओपन होने जाने के बाद रिसेंटली इसको चाहेंगे यहाँ से हम हटा भी सकते हैं, हटा कर राइट क्लिक करेंगे और रिमूव फ्रॉम लिस्ट से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हम हटा सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ से, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए गायब हो गए, वहाँ से खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जिसमें आप चाहेंगे तो उस टाइप से आप हटा सकते हैं। अब आते हैं न्यू ऑप्शन में। न्यू ऑप्शन में क्या है कि न्यू ऑप्शन में यहाँ से हम कोई भी नया नया डॉक्यूमेंट, नया नया ये सब ले सकते हैं। देखिए टेम्पलेट वगैरह, ब्लैंक डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट है, बहुत सारे यहाँ पे चीज रखे हुए हैं, तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। जैसे न्यू फ्रॉम एग्जिट है, अंदर से बना के रखे हुए उसको भी खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं हम टेम्पलेट, ठीक है। लेकिन हम लोगों को यहाँ से लेना है ब्लैंक डॉक्यूमेंट, यहाँ से ब्लैंक पर क्लिक करेंगे और क्रिएट ऑप्शन यूज करेंगे।